अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे बड़े अम्मी, ये तो गलत बात है। सबके सब कायनात के लिए रो रहे हैं, सब सिर्फ दुल्हन के आंसू देखेंगे, दूल्हे की भी खैर खबर कोई लेगा? उसकी खबर हमारी कायनात ले लेगी ना। देखो कायनात, मेरी बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुन। दूल्हे की नकेल कस के रखना, उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, और शादी के बाद मेरी तरह दूल्हे को साथ लिए फिरना, समझी? अरे गुलनाज बेगम, कायनात को अपनी तरह मत बनाओ। शादी के बाद शोहर को अपने साथ लिए फिरने वाली बीवी उस बिल्ली की मानिंद होती है जो चूहे की जान लेने के बाद भी उसके साथ खेलती रहती है। अम्मी, कितनी खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। शायद ये मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, इसीलिए तो खुदा मुझे सारी खुशियां आज ही के दिन देना चाहता है। अल्लाह, ये चेहरा, ये आंखें, इतना नूर किसी के चेहरे पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मेरा हैदू बहुत ही खुशनसीब है जो तुम उसके साथ निकाह करने वाली हो। मेरे हैदू की तो तकदीर सवरने वाली है, और मेरा घर जन्नत बनने वाला है। अच्छा मेरी जान, हमारा घर जन्नत है अम्मी। गजल ने आपकी सादा दिली का फायदा उठाकर इसे जहन्नुम बना दिया है। बस एक बार आप ठीक हो जाएं, तो हम मिलके उसके किए की सजा उसे दिलाएंगे और इस घर को फिर से जन्नत बनाएंगे। अरे अम्मी जान, अरे दुल्हन की तारीफ करती रहेंगी या इस दूल्हे के बारे में भी कुछ जिक्र करेंगी आप? हमारा चांद कितना खूबसूरत लग रहा है राहत साहब। और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आज तो तुम्हारा निकाह है, दूल्हे राजा हो तुम। आओ। अम्मी जान, निकाह मेरा और दुआ का नहीं, बल्कि कायनात और हफीज का है। तो दुआ क्यों दुल्हन बनी हुई है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।